आइए कि अहद करें कि एक बार फिर जियो और जीने दो के पैगाम को आम करेंगे। आप सबका आमिर लियाकत एक बार फिर आपके साथ। आपने हमें बहुत याद किया और आपकी इस याद को, आपके इस प्यार को यहाँ सीने से भी लगा रखा है, और सबसे बढ़कर यह है कि कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। आमिर लियाकत हुसैन ने अपने कैरियर का आगाज जियो में बतौर न्यूज़कास्टर किया, लेकिन उनकी असल वजह शोहरत जियो नेटवर्क का प्रोग्राम आलम ऑनलाइन था, जिसने देखते ही देखते उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम एक दिहाई तक अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ता रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलम ऑनलाइन के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। आमिर लियाकत ने इसके अलावा जियो की रमजान ट्रांसमिशन और इनाम घर में मेजबानी की, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। दिल ये कह रहा है कि भाई ऐलान कर दिया जाए, जुम्मे का दिन है, 5 मार्च से इनाम घर शुरू हो रहा है। आमिर लियाकत को रमजान अल मुबारक में तफरीह और तालीमी प्रोग्रामों का बानी भी समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? अब कुछ इनामात भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ चीजें भी यहाँ पर ज्यादा सस्ती जा रही हैं। आमिर लियाकत ने अपने टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी में कुछ नातें भी पढ़ी, जो आज भी बहुत मकबूल हैं। मोरा जियरा लरजे धरक धरक तैबा से अभी न सुना जाना।